हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, जैसे कि हर बार हम आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया सोल्यूशन लेकर आते हैं, ऐसे ही आज मेरे साथ है तौफिक सर। तो तौफिक सर, आज हमारे पास एक UFS हैंडसेट है जिसमें क्वालकॉम सीपीयू है। अभी तक आपने देखा होगा मार्केट में, मीडिया टेक में, तो बहुत सारे लोग UFS चेंज कर रहे थे और हमने काफी सारे वीडियो डाले हैं UFS चेंज के। आज हम क्वालकॉम चिपसेट पे हम UFS चेंज करने वाले हैं विदाउट सीपीयू, क्योंकि अभी मार्केट में नया सीपीयू मिल रहा है, नया सीपीयू डाल रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग प्रोसेस है। सीपीयू आपको चेंज नहीं करना है, पुराना वाला ही सीपीयू लेना है। पुराना और क्या इसमें पूरा डिटेल सोल्यूशन देने वाले हैं कि कुछ हाइड करने वाले हैं? तो देखिए सर, पूरा प्रोग्रामिंग से लेकर पूरा फोन आने तक, पूरा फोन ऑन होने तक पूरा देखो। आप दोस्तों, हमारे पास जो ऑनलाइन कोर्स है UFS का, अभी जो है एक 3-4 तारीख से या 5 तारीख से हो सकता है, उसमें आप जुड़ सकते हैं, जिसमें हम UFS चेंज पूरा प्रॉपर प्रोसेस बताएंगे आपको। अभी इस वीडियो में हालांकि पूरा सोल्यूशन दे रहे हैं, एक हैंडसेट को UFS चेंज करके उसको ऑन करके बताएंगे। yes, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ऑनलाइन में सिर्फ 7000 फीस रखी है हमने। ये सारा चीज आप MMC चेंज, UFS चेंज, प्रोग्रामिंग, अनलॉकिंग, मेपी टेस्टर, ECG टैग, UFI सारा कुछ सिखाते हैं। रात में 2 घंटा 9:30 से 11:30 क्लास होती है। आपका दुकान का काम खत्म करने के बाद 2 घंटा दीजिए, 10 दिन दीजिए, साल भर सपोर्ट देंगे, उसके बाद आपको किसी से सॉफ्टवेयर UFS का काम सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 7000 वाला कोर्स में हम तीनों बॉक्स की नॉलेज दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक बॉक्स का भी नॉलेज कोई नहीं दे सकता। UFI का ही भी अगर 7000 के कोर्स में नहीं दे सकता, लेकिन हम यहाँ पर UFI, JETAG और मीपी टेस्टर तीनों बॉक्स में कैसे काम करते हैं, आपकी मर्जी होती है आप कौन से बॉक्स में करना चाहते हैं। 40000 में 50000 ले रहा है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ, हमारे पास सारे ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं कि सर बोलते हैं सर हमारे पास JETAG है, हमारे पास UFI नहीं है, तो आप UFI में सिखाओगे? तो हम यहाँ पर हर बॉक्स से सिखाएंगे, आपकी मर्जी होगी आप कौन से बॉक्स में काम करना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, तीन बॉक्सेस मीपी टेस्टर, JETAG, दोनों में UFS बहुत अच्छी तरह से काम करता है और MMC के लिए UFI काम करता है। तीनों बॉक्सेस का आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो ये पूरा एंड तक देखिए। अगर ऑनलाइन जुड़ना है तो अभी वीडियो को स्टॉप करिए, नंबर दिया गया स्क्रीन पे, व्हाट्सअप करके ऑनलाइन कोर्स का डिटेल ले लीजिए। तो चलिए, ये फोन को हम पूरा लाइव रिपेयर करके बताते हैं आपको, वीडियो में पूरा जुड़े रहिए, बिल्कुल स्किप ना करें, ठीक है? तो सर इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये किसी दुकानदार ने भेजा था UFS चेंज करने के लिए, और इसमें एक ऑलरेडी जो है तो UFS निकला हुआ है, आप देख यहां सकते हैं, मैं बता रहा हूं, इसमें UFS ही नहीं है, वो ऑलरेडी खराब हुआ था, तो इसने चेंज निकाल के फेंक दिया, बोला इसमें काम नहीं कर रही है, देख सकते हैं UFS है नहीं इसमें। अभी नया UFS डालेंगे और वो UFS को सबसे पहले हम मीपी टेस्टर से डिटेक्ट करेंगे और उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस आपको रिपेयर करने हैं वो सारा चीज बताएं। पहले UFS को सही करना होता है और इसमें हम नया UFS यूज कर रहे हैं। yes, sir. कहां से लेना है, कैसे लेना है, कितने में मिलेगा, सारा चीज आपको वीडियो में बताएंगे, जुड़े रहिए। तो चलिए तो फिर सर प्रोसेस शुरू करते हैं, वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखें। सबसे पहले मैं आपको इस IC की डिटेल्स बताता हूँ। ये IC जो है नई है, मार्केट में न्यू परचेस करनी पड़ती है, क्योंकि ये RPM भी क्लीन वाली है, मतलब हम किसी का भी सेट का निकाल के नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें की होता है। और अभी आज की डेट तक कोई भी बॉक्स में RPM भी क्लीन नहीं कर सकते UFS वाले सेट के, तो हमें परचेस करना पड़ेगा। मार्केट में ये मिल रहे हैं, बहुत सारे डीलर्स इसको सेल कर रहे हैं, फिर भी मैं आपको एक बंदे का नाम बता सकता हूँ कि आप रामराज वाला जो टूल्स है आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके पास आपको ये UFS CPU सारे चीजें मिल जाती है न्यू, जिसमें कोई की नहीं होता। तो इसमें विदाउट की वाला ये IC है और आप विदाउट की वाला भी CPU भी लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ विदाउट CPU का ही चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ CPU चेंज नहीं कर रहे हैं, ओनली हम UFS चेंज कर रहे हैं जिसमें कोई की नहीं है। तो पूरा स्टेप देखिए इसमें प्रोग्रामिंग क्या करना है, क्योंकि डायरेक्ट UFS हम लगा नहीं सकते, क्योंकि इसमें UFS में कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी होती है, चिप कॉन्फ़िगरेशन राइट करनी होती है, उसके बाद लून पार्टीशन बनाना पड़ता है, उसमें एट्रीब्यूट्स, बूट कॉन्फ़िगरेशन, ये सब चीज़ें जो होती है ना, आपको पहले ये चीज़ें क्लियर करनी है, उसके बाद हम फ्लैश करेंगे, हम डायरेक्ट डायरेक्ट काम नहीं करेंगे। तो मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगा कि ये कैसे करना है मीपी टेस्टर से, क्योंकि ये MMC से लेना देना इसका कुछ भी नहीं है, जैसे आप समझ रहे हो कि MMC में हम डायरेक्ट लगा देते हैं, ऐसा UFS को भी लगाएंगे, ऐसा नहीं होता है, इसको पूरा प्रोग्राम करना पड़ता है। तो चलिए वीडियो में हम आते हैं, हम बताते हैं आपको कैसे करना है सारा चीज। हम यहाँ पर ये UFS मीपी टेस्टर में कनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डिटेल्स चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम UFS का अडाप्टर यूज कर रहे हैं, 153 BGA 153 है, जो कि ये हमारा 153 वाला है, और इसका जो ब्रांड है वो तोशिबा कंपनी का UFS है। तो आपको नाम छोटा दिखेगा, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेक्ट करके दिखा दूंगा, ठीक है? आपको दिख रहा होगा, हल्का सा नाम है, TH रहेगा, तो TH हमारा तोशिबा का कोड होता है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले इसमें अडाप्टर में कनेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर लिया इसके अंदर, और सबसे पहले इसका हम टूल ओपन करेंगे मीपी टेस्टर का। तो यहाँ पर जैसे कि टूल ओपन होगा, उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले क्या क्या चीजें करनी है मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियरली बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर हमारा बॉक्स ओपन हो गया, हम इसको बड़ा कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका देखिए पहला सेटिंग होता है UFS 2.x, UFS 3.x। अब आपके हिसाब से आप 2.1 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा IC 2.1 पे है, तो हम 2.1 पे भी कर सकते हैं, 3.x पे भी कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका 3.x है तो आप 2.0 पे कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको 3.0 पे ही करना पड़ेगा। अगर आपका 2.0 है तो आप 3.0 पे ही कर सकते, तो आपके हिसाब से पता होना चाहिए कि आपका स्टोरेज जो है कौन सा वर्जन पे काम कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पर 3.x पे ही कनेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा पावर PMG1 पे कनेक्ट कर लूंगा, और उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ। तो वेट करेंगे यहाँ पर कनेक्ट होने तक, उसके बाद हम सारे डिटेल्स दिखाते हैं इसमें क्या क्या होता है। ये ब्लैंक UFS है पूरी तरीके से, इसमें कुछ भी प्रोग्राम नहीं किया हुआ है। तो जैसे कि ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हमारी UFS कनेक्ट हो गई है। इसमें ब्रांड देखिए, सबसे पहले तोशिबा का नाम आ रहा है, और दूसरी बात वर्जन है 2.1, ठीक है। यहाँ पर मॉडल इसका जो पार्ट नंबर होता है UFS का, वो यहाँ पर दिखा रहा है। दूसरा बात यहाँ देखो, बूट यहाँ पर टोटली डिसेबल है, मतलब अभी ये कोई बूटिंग वाली आईसी नहीं है, इसमें हमें बूट करना पड़ेगा। उसके बाद क्लॉक, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है, यहाँ पर 38 लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्वालकॉम किस फ्रीक्वेंसी पे बूट करता है, तो ये भी हम इस वीडियो में बताएंगे। कैपेसिटी यहाँ पर देख सकते हैं 64 GB का है। उसके बाद RPM भी देख सकते हैं 0, ये पूरी तरीके से ब्लैंक है। RPM भी अगर आप देखेंगे, यहां पर आपको लिखा हुआ रहेगा ऑथेंटिकेशन की नॉट येट प्रोग्राम, इसका मतलब ये कि इसमें RPM भी क्लीन है और इसमें कोई भी अभी RPM भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप RPM भी क्लीन वाली ही लगाओगे तो ही आपका काम होगा, अगर आप किसी सेट का निकाल के लगाओगे जिसमें की है, तब आपका फोन लोगो पे स्टक हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। तो अच्छे से सुनिए कि RPM भी क्लीन वाला IC चाहिए आपको, तो ही आपका UFS चेंज हो सकता है विदाउट CPU। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लून पार्टीशन कुछ शो कर रहे, लून 0, 1, 2, 3, 4, 5। आपको इसकी भी नॉलेज होनी चाहिए कि लून पार्टीशन हमारे सीपीयू वाइज काम करते हैं। अगर मीडियाटेक होगा तो कितने पार्टीशन आएंगे, अगर क्वालकॉम होगा तो कितने आने वाली है, और या सैमसंग होगा तो कितने आएंगे। तो मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ कि मीडियाटेक में आपके सिर्फ 3 लून पार्टीशन होते हैं, लून 0, लून 1, लून 2, ठीक है, अगर आपको मीडियाटेक में काम करना है। अगर आपको सैमसंग में करना है तो उसमें लून पार्टीशन आपको 4 मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक है, ये सैमसंग के लिए काम करेंगे। अगर आपको क्वालकॉम के लिए यूज करना है तो लून पार्टीशन 6 होते हैं टोटल, मतलब यहाँ पर लून पार्टीशन 5 तक आना चाहिए, लून 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए कि पहले लून पार्टीशन क्या, कौन से सीपीयू में कितने आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्वालकॉम बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर जो डिसेबल है उसको इनेबल करेंगे। तो आप ये कैसे बनाएंगे, आप एक फाइल होती है डिस्क्रिप्टर फाइल, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रिप्टर होता है, या अगर आप जेटेक से काम करोगे तो उसमें चिप कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो मैं इसके अंदर डिस्क्रिप्टर राइट करूंगा, मैंने किसी और क्वालकॉम के सेट से रीड किया हुआ है, मैं इसके अंदर राइट कर दूंगा तो ये क्वालकॉम बन जाएगी। तो चलिए मैं कैसे करता हूँ सारा चीज बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक फोल्डर डेस्कटॉप पे रखा हुआ है पोको F1 UFS चेन, ऑलरेडी मेरे पास फोल्डर बना के रखा है सारा चीज, तो इसमें देख सकते हैं इसके अंदर DevCFG फाइल, लेकिन हम यहाँ DevCFG वाला काम नहीं करने वाले। ENG फर्मवेयर है और ग्लोबल फाइल है, ENG QCF फाइल है आईएमई रिपेयर करने के लिए। उसके बाद एट्रीब्यूट्स और डिस्क्रिप्टर फाइल, ये मैंने किसी और सेट से रीड किया हुआ है, तो मैं ये फाइल राइट करके पहले मैं इसको कॉलकॉम वाली बनाऊंगा, उसके बाद फिर आगे इसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं ये डिस्क्रिप्टर फाइल राइट करूंगा जिसके अंदर लून पार्टीशन कॉलकॉम के बन जाएंगे। तो हम आते हैं वापस मीपी डेस्कटॉप में, आपको जाना है सर्विस में, सबसे पहले आपको आना है सर्विस में। यहां पर देखो रीड डिस्क्रिप्टर फाइल, राइट डिस्क्रिप्टर फाइल, रीड एट्रीब्यूट्स, राइट एट्रीब्यूट्स, तो आप यहां से रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं किसी भी आईसी का। फिलहाल हम यहां पर राइट करेंगे, तो हम आते हैं डिस्क्रिप्टर पे, हम आगे यहां डिस्क्रिप्टर पे। अब आप देख सकते हैं लून 0 56 GB 59 GB जो बता रहा है वो लून 0 में, बाकी में यहां पर साइज अलग अलग है। हम इसको बनाएंगे क्वालकॉम के हिसाब से, तो सबसे पहले हम यहां पर आते हैं लोड पे, लोड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जहां पर भी आपके सेव किया हुआ फाइल है वहां पर हम चले जाएंगे, जैसे कि पोको F1 UFS चेन में फोल्डर में हमारे यहाँ डिस्क्रिप्टर फाइल है, इसको हम ओपन कर लेंगे। जैसे मैं ओपन करता हूं यहां पर आप देख सकते हैं पार्टीशन चेंज हो गए, यहाँ 55 GB आ गया। उसके बाद लून 1 8 GB 8 MB जो कि बूट ए, यहां से बूट होता है हमारा UFS लून 1 से। उसके बाद लून 2 8 MB बूट बी, लून 3 32 MB, इसके अंदर जो क्रिटिकल पार्टीशन होते हैं, हर एक पार्टीशन का अलग अलग काम दिया गया है।
लून 4 के अंदर 4.5 GB, मतलब जैसे कि आपका इसमें सॉफ्टवेयर के कुछ पार्टीशन इसमें भी आ जाते हैं। उसके बाद लून 5 में 32 MB, इसके अंदर हमारा सिक्योरिटी पार्टीशन होता है। ये सब चीजें अलग अलग बनाई है। तो हमने यहां पर अभी फाइल को लोड किया, अभी राइट नहीं किया है। अभी हम यहां से इसको क्या करेंगे, यहां से इसको राइट कर लेंगे। जैसे राइट हो जाएगा यहां पर लिखकर आएगा राइट डिस्क्रिप्टर सक्सेस और आपका आईसी ऑटोमेटिक रिकनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी ये रिकनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पार्टीशन देखिए कितने आएंगे लून के, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं लून के टोटल यहां पर 6 पार्टीशन आ चुके हैं जो कि क्वालकॉम के लिए काम करते हैं। लेकिन अभी भी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी इसके अंदर देखिए बूट डिसेबल में है और क्लॉक की फ्रीक्वेंसी अभी भी 38 पे। आपको पता होना चाहिए कि क्वालकॉम यूएफएस में क्लॉक फ्रीक्वेंसी क्या चलती है। यहां पर 19 MHz की क्लॉक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब जाकर आपका क्वालकॉम काम करेगा। अगर मीडियाटेक होगा तो 26 MHz होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको मैन्युअली भी कर सकते हैं या अगर आप दूसरी सेट से निकाल के क्वालकॉम वाले सेट से भी निकाल के राइट कर सकते हैं। तो मेरे पास एट्रीब्यूट्स की फाइल भी है, मैं वो भी राइट कर सकता हूं। फिर भी एक बार मैन्युअली बताऊंगा ये सब चीजें कैसे होती है। आपको सर्विस में आना है। उसके बाद यहां एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स अब यहां देख सकते हैं, यहां पर बूट जो लून इनेबल है यहां पर अभी देख सकते हैं डिसेबल मोड में है। अब आपका बूट इनेबल फ्रॉम बूट लून ए, मतलब ए से बूट होता है, आप यहां पर सिलेक्ट करके भी इसको इनेबल कर सकते हैं। दूसरा यहां पर देखो रिफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी 19 MHz है, 19.2 MHz, उसके बाद 26 MHz। तो ये जो है क्वालकॉम के लिए यूज कर रहा है 19, तो आप यहां से सिलेक्ट करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और यहां से बूट इनेबल को भी हम इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये होने के बाद आप इसको राइट कर लो, उसके बाद देखेंगे, ठीक है, राइट हो चुका है। हमारे आईसी यहां पर देख सकते हैं रिकनेक्ट हो जाएगी। अब आपका यहां पर बिना एट्रीब्यूट्स की फाइल से मैं डायरेक्ट मैन्युअली करके बता रहा हूं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बूट ए से बूट हो रहा है हमारा जो है क्वालकॉम यूएफएस, बूट ए से बूट हो रहा है, क्लॉक फ्रीक्वेंसी 19.2 MHz है। अब आप यहां पर भी देख सकते हैं एट्रीब्यूट्स की चीजें जो यहां पर दिखाता है, देखिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी 00H 19.2 MHz क्यूकॉम, क्यूकॉम मतलब क्वालकॉम, क्वालकॉम के लिए काम कर रहा है। अगर यहां पर 26 MHz होता तो यहां लिखा आएगा MTK फॉर मीडियाटेक के लिए। तो यहां पर हमारा जो इनेबल बूट फ्रॉम बूट लून ए, तो यहां से ये बूट हो रहा है। अब जाकर हमारी ये यूएफएस प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम हो गई है। अब इसके बाद आपको करना है फ्लैशिंग। अब सबसे पहले फ्लैशिंग क्या करेंगे, हम इंजीनियरिंग फाइल फ्लैश करेंगे क्योंकि इसमें सिक्योरिटी भी राइट करनी होती है। सिक्योरिटी हमारे पास बैकअप नहीं है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, सिक्योरिटी राइट करेंगे। उसके बाद देख सकते हैं यहां पर जो आरपीएम भी है, अभी भी आप देख सकते हैं आरपीएम भी इसमें ऑथेंटिक की नॉट एट प्रोग्राम है। हम इसको अंदर आरपीएम भी जनरेट भी करके दिखाएंगे इस वीडियो में कि कैसे क्वालकॉम के अंदर आरपीएम भी जनरेट करके पेयर करेंगे विदाउट डेव सीएफजी फाइल के साथ। इसमें हम डेव सीएफजी का काम नहीं करने वाले। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग राइट करेंगे। इंजीनियरिंग राइट करने के लिए फैक्ट्री में आते हैं। फैक्ट्री में एक्सएमएल फाइल, जैसे कि आपका जो फाइल होता है रोपोग्राम 0 का फॉर्मेट होता है एक्सएमएल, तो हमारे पास जो फ्लैश फाइल है यहां पर जैसे देख सकते हैं ईएनजी फॉर्मेट इमेजेस फोल्डर में, तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रही है सारे इंजीनियरिंग फॉर्मेट है। हमें ये सारे लून प्रोग्राम रो प्रोग्राम फाइल है, हम इसमें लोड करेंगे। उसके बाद क्लिक टू ओपन फाइल। अब यहां पर आ जाएंगे हम ईएनजी फॉर्मेट में, उसके बाद इमेजेस में और फाइल, और जैसे कि यहां पर हमारी फाइल ऑलरेडी लगी हुई है, इमेजेस फोल्डर में आएंगे और यहां से सिलेक्ट फोल्डर करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं फाइल लग चुकी है। अब यहां से हम फ्लैश करेंगे, तो अब स्पीड देख सकते हैं, अब लेगा ये स्पीड, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ये बफरिंग स्पीड क्या है, ये गियर के जो स्पीड होती है HSG2A क्या होता है, वहां पर PMW क्या होता है, ये सारी चीजें, ये नॉलेज हम डीप नॉलेज आपको यहां पर क्लास में समझाते हैं ये यूएफएस के बारे में क्या क्या सब चीजें होता है। अब देख सकते हैं अब हाई स्पीड देखो कितनी स्पीड से राइट हो रहा है। यहां पर 110 की स्पीड से 100 MBPS के ऊपर चला गया है और ये फाइल राइट होने का स्टेप बता रहा है। तो कम से कम आपकी स्पीड इतनी है कि फ्लैशिंग को आपको 5 मिनट के अंदर ही कर देगा। जैसे कि जहां पर आप जेटैक यूज करते हो वहां पर आपको 20 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है फ्लैशिंग में, वहां पर यह काम आपका सिर्फ 5 मिनट के अंदर कर लेगा क्योंकि स्पीड के ऊपर डिपेंड है। तो अभी देखते हैं अब इसके अंदर हमारी फाइल जो राइट हो रही है,
ये सारे फाइल देख सकते हैं आप, राइट हो रहे हैं। उसके बाद हम इसको यूएफएस को उठाकर फोन में लगाएंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये सिस्टम की फाइल राइट हो गई है, यहां पर देख सकते हैं। अभी इसके बाद दूसरी फाइल राइट हो रही है हमारी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पर फ्लैश फिनिश्ड, मतलब पूरी तरीके से फ्लैश यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा फोन यहां पर हम इसको जो हमारी यूएफएस है इसको हम फिक्स कर देंगे। वो एक बार रिकनेक्ट करके दिखाता हूं, फिर भी पार्टीशन यहां पर आई के नहीं है हमारी। जो हमारे पार्टीशन होते हैं फ्लैशिंग करने के बाद यहां पर आने चाहिए, तो मैं एक बार आपको रिकनेक्ट करके दिखा रहा हूं। ठीक है, वेट करना जब तक यहां पर पार्टीशन नहीं आते, जब तक कहीं पर भी आपको टच करना नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहां पर पार्टीशंस आ गए और यहां पर सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन भी आ चुका है। बेरिलियम इसका जो है पार्ट सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर होता है, इसमें 8.1 का जो है एंड्रॉइड वर्जन है और ये हमारी ईएनजी रोम है, जैसे कि यहां पर आपको शो कर रहा है। अब यहां पर इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहां से हम यूएफएस को फोन में लगा देंगे। अब ये जितना भी मैंने स्टेप्स बताया, अब आप देख सकते हो कि यहां पर ईएमएमसी से जैसा कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं है जो इसमें मैच होता है। सारा काम अलग है, जो कि ईएमएमसी का काम करना जानता है वो यूएफएस का नॉलेज उसको लेना पड़ेगा ये सब चीज। चलिए हम यहां पर यूएफएस को फिक्स करेंगे पहले और देखते हैं हमारा फोन यहां पर ऑन होगा या नहीं। ठीक है, तो ये हमारी जो यूएफएस है तोशिबा कंपनी की है, जो कि हम आरपीएम भी क्लीन वाली लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने यूएफएस को फिक्स कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको फोन में लगा कर चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करते हैं बैटरी हमारी चार्ज है या नहीं है, एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। जैसे कि हमने इसमें यूएफएस फिक्स कर दिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर एमआई का फर्स्ट लोगो आ गया है और वेट करते हैं सेकेंड लोगो आने के बाद, देखते हैं हमारा फोन ऑन होगा कि नहीं होगा।
तो देख सकते हैं आप सेकेंड लोगो भी आ चुका है एंड्रॉइड लिखकर, जो कि ENG जो हमारी जो रोम है उससे हमने इसको फ्लैश किया हुआ है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कंप्लीटली फोन ऑन भी हो गया। देख सकते हैं पूरी तरीके से फोन हमारा ऑन हो गया है, और इसमें एक बार मैं आपको सिक्योरिटी भी दिखा देता हूँ। इसमें देख सकते हैं कोई भी सिक्योरिटी इसमें नहीं है, दिख रहा है आपको क्लियरली, ठीक है। तो अब इसके अंदर फोन तो ऑन हो गया हमारा पूरी तरीके से, इसके अंदर हमने ENG रूम डाला हुआ है, और इसके अंदर अभी सिक्योरिटी राइड करनी है। अब सिक्योरिटी राइड करने के लिए आपके बैक पैनल पे या कहीं पर भी जो एक सिंगल आई में होता है, आप ये उसको राइड कर सकते हैं यहाँ से उठाकर, क्योंकि पुरानी आईसी तो हमारी डेट थी, हमने उससे बैकअप रीड नहीं किया, तो आप इसका सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हो। अब ये जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी बताना इस वीडियो में हम इसको स्किप करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें पूरा खुल के नहीं दिखा सकते, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो स्किप करेंगे, आपको सिक्योरिटी पूरा रिपेयर होने के बाद बताएंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी हमने जो है तो रिपेयर किया नहीं किया। देख सकते हैं पहले तो यहाँ पर है नहीं कुछ, हम इसके बाद आपको सिक्योरिटी बताएंगे सारा कुछ, ठीक है, तो वेट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसका सिक्योरिटी कर दिया है रिपेयर, ठीक है, तो अब इसके बाद हम इसको चेक करेंगे सिक्योरिटी इसके अंदर आ गया है कि नहीं आ गया। मैंने इसका रिपेयर तो नहीं बताया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि UMTI से हो जाएगा, जैसे आप नोट 6 प्रो नोट 5 प्रो वगैरह जो भी करते हो ना, QCN फाइल वगैरह लगाकर, सेम वही स्टेप है, बाकी कुछ भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। बाकी अब आप देख सकते हो यहाँ पर फोन ऑन हो गया, और मैं आपको एक बार सिक्योरिटी चेक करवा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी आपको नंबर यहाँ दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा, तो ये हमारा दोनों ड्यूल आई में नंबर आ चुका है। तो अब इसके अंदर हम ग्लोबल फाइल राइट करते हैं, तो आपको जैसे पता है कि जब आप MMC चेंज करते हो ग्लोबल फाइल के अंदर DevCFG फाइल रिप्लेस करके हमें इसको फोन ऑन करना होता है, क्योंकि इसका RPM भी क्लीन है, लेकिन यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो नॉर्मल ग्लोबल फाइल है हमारी हम उसी को राइट करेंगे डायरेक्टली। तो DevCFG को कैसे करेंगे काम, तो DevCFG का काम यहाँ पर हम नहीं करने वाले, हम डायरेक्टली इसके अंदर जो RPMB जनरेटर की होता है हम इसको राइट करेंगे वाया USB, ठीक है। तो वो सारा कैसा स्टेप है, क्या है वो, क्या प्रोसेस होता है, वो सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। एक हमारे पास जो कमांड है आप देख सकते हैं यहां पर एक कमांड है, जो कि मैं आपको थोड़ी बड़ी करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये बहुत बड़ा मैसेज लिखा हुआ है, जो कि आपको पढ़ना होगा तो पढ़ सकते हैं, अब यहां पर क्या क्या स्टेप बता रहा है, क्या क्या करना होता है। तो सिंपल हमारा जो कोड है वो यहां पर है, हमें सिर्फ करना है कि ये दो ADB शेल और ये मेन जो की है, ये की को हमें इंटर करना है। तो कैसे इंटर करना, इससे हमारा जो है ना कमांड इसके अंदर RPM भी जनरेट हो जाएगा, और ये पेयर बन जाएगा हमेशा के लिए, इसके लिए पेयर बन जाएगा। अब इसके बाद आप जब भी इसको फ्लैश करोगे या अपडेट करोगे तो कभी इसको वापस से DevCFG वाला काम ही खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। और ये मेथड सिर्फ मैं आपको इसी फोन के लिए नहीं बता रहा हूं, कि जितने भी MI के जो Qualcomm वाले सेट है जिसमें आप DevCFG का काम करते हो, चाहे वो EMMC वाला सेट हो चाहे वो UFS वाला सेट हो, तो मैं यहां पर UFS पे बता रहा हूं आपको, EMMC वाले सेट पे नहीं बता रहा हूं, कि जैसे कि नोट 5 प्रो नोट 6 प्रो पे बताते हैं लोग, तो मैं यहां पर आपको डायरेक्ट UFS वाले सेट पे बता रहा हूं जिसके अंदर RPM भी जो है तो क्लीन है। तो ये वाली कमांड आपको राइट करनी है, किस तरह से करनी है मैं सारा स्टेप बताऊंगा। उसके लिए आपको ये कमांड राइट करने के लिए ENG में पूरा ऑन होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग में ऑन नहीं कर पाओगे तब आप ये कमांड राइट नहीं करोगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होगा, आपका ADB और डायग्नोस्टिक पोर्ट जो है ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, जो कि बूट लोडर होता है वो अनलॉक हो जाता है। तो हमें करना यह है कि हमें मिनिमल ADB जो फास्टबूट है हमें ये कमांड से राइट करना है कोड, ठीक है। कोई टूल नहीं, UMTI या कोई अलग टूल से नहीं करना है, सिंपल हमारा जो ये मिनिमल ADB फास्टबूट वाला टूल होता है, बस हमें ये इस टूल के अंदर उस कमांड को ऐड करना है और फोन को कनेक्ट करना है। तो पहले फोन को मैं कनेक्ट करके आपको ADB का पहले पोर्ट बताता हूं, चालू में ही कनेक्ट करना है, बंद में नहीं करना है। तो चलिए मैं इसको फोन को कनेक्ट कर लेता हूं। तो जैसा कि मैं यहां पर फोन को कनेक्ट कर लिया हूं, अब आप देख सकते हैं वहां पर एक ADB का कमांड यहां पर ले लिया है, देख सकते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, ये अपडेटिंग कर रहे हैं ड्राइवर्स को। ठीक है, देख सकते हैं आप यहां पर ADB का जो ड्राइवर है यहां पर एंड्रॉइड कंपोजिट ADB इंटरफेस का ड्राइवर बना लिया, और डायग्नोस्टिक का भी पोर्ट यहां पर बना लिया, लेकिन अभी डायग्नोस्टिक तो हमारे सिक्योरिटी के लिए कर रहा है, हमें चाहिए सिर्फ ADB वाला पोर्ट, तो यहां पर आ चुका है। अब करेंगे क्या, इस कमांड में आकर हम यहां पर ADB शेल, जैसे कि यहां पर जो लिखा हुआ है
पहले आपको एडीबी शेल का कमांड एंटर करना है, ठीक है, आप टाइप भी कर सकते हो एडीबी शेल, एंटर करेंगे। जैसे यहां एंटर करेंगे, यहां पर एक कमांड और एक टाइप करने के लिए बोलेगा, बता रहा है बेरिलियम, इसने मॉडल को जो इसका फाइल नेम है बेरिलियम, तो वहां पर डिटेक्ट हो गया, मतलब इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर लिया कि आपका कौन सा मॉडल है। अब जो भी मॉडल कनेक्ट करोगे तो वहां पर इसका सॉफ्टवेयर फाइल का नेम आ जाएगा। तो जैसे कि यह बेरिलियम इसका फाइल नेम है। अब इसके अंदर हमें करना यह है कि ये जो की है, ये जो कमांड है, ये कमांड को हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है, कॉपी हो चुका है और यहां पर हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो जैसे कि यहां पर कमांड आ गया, पूरी कमांड आ चुकी है, सिर्फ इसको एंटर करना है आपको। जैसे कि मैं यहां पर एंटर कर दिया हूं और आप यहां पर देख सकते हैं एक प्रोविजन का ऑप्शन बता रहा है, जैसे कि हमारी की का नाम है प्रोविजन, तो यहां पर बता रहा है यू आर अबाउट टू प्रोविजन द आरपीएमबी की, दिस इज वन टाइम ऑपरेशन एंड कैन नॉट बी रिवर्स। ये आपको एक ही बार करना है। अगर आपने एक बार आरपीएमबी जनरेट कर लिया तो वापस से आप आरपीएमबी को यहां से क्लीन नहीं कर सकते। अब जैसे कि यूएफएस में तो आरपीएमबी क्लीन होता ही नहीं है, आप एमएमसी का तो कर ही लोगे वापस से, लेकिन यूएफएस में तो आप यहां पर देख सकते हैं आरपीएमबी इसमें क्लीन। तो अभी चेक करेंगे, देखो यहां पर ऑप्शन बता रहा है, अगर आप जीरो टाइप करोगे तो प्रोविजन प्रोडक्शन की राइट हो जाएगी, अगर आप टेस्ट करना चाहते हो प्रोविजन टेस्ट की, या अगर आप चेक करना चाहते हो आरपीएमबी इसका स्टेटस क्या है, तो पहले मैं आपको स्टेटस दिखाऊंगा फिर राइट करूंगा। तो मैं यहां पर जो नंबर बता रहा है दो, तो यहां पर मैं यहां पर टू नंबर डाल देता हूं, आ गया, उसके बाद मैं इसको एंटर करता हूं। तो क्या बोल रहा है आरपीएमबी की स्टेटस, आरपीएमबी की नॉट प्रोविजन, मतलब यहां पर की कोई भी नहीं है, इसके अंदर प्रोविजन काउंटर है ही नहीं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब भी मैंने मीपी टेस्टर में कनेक्ट किया था वहां पर इसके अंदर कोई भी आरपीएमबी नहीं था, ठीक है। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हो आरपीएमबी की नॉट प्रोविजन, अब मैं इसको क्या करता हूं आरपीएमबी राइट कर देता हूं। नेट का प्रॉब्लम, ठीक है, वापस से हम की को एंटर करेंगे। अब यहां पर बोल रहा है जीरो, जीरो हम यहां पर राइट कर लेंगे, तो जीरो का की यहां पर हम प्रेस करते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। जैसे मैंने एंटर कर दिया, यहां पर आप देख सकते हैं क्या लिख रहा है, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए, आरपीएमबी की प्रोविजन कंप्लीटेड, मतलब यहां पर जो है अभी आरपीएमबी कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। पहले यहां पर क्या लिखकर आ रहा था, जैसे कि आप जब आरपीएमबी जब चेक किए थे तो यहां पर जो कमांड दिए थे तो आरपीएमबी की नॉट प्रोविजन, ठीक है, बता रहा था कि पहले आरपीएमबी इसमें नहीं था, देख सकते हैं अब यहां पर यहां लिखा हुआ है आरपीएमबी की नॉट प्रोविजन, पहले ये किया, उसके बाद जैसे मैंने यहां पर जो राइट किया, अब क्या लिखा आ रहा है आरपीएमबी की प्रोविजन कंप्लीटेड, ठीक है। फिर से मैं अब इसको चेक करके दिखाऊंगा स्टेटस, अब हम वापस हम इसको की का स्टेटस चेक कर लेंगे। ठीक है, वापस हम इसको एंटर कर देंगे। अब हम यहां पर चेक करने वाले चेक आरपीएमबी की प्रोविजन स्टेटस, तो यहां पर सिर्फ आपको दो नंबर डालकर यहां पर एंटर कर देना है। अब आप यहां पर देख सकते हो कि क्या लिखा आ रहा है आरपीएमबी की स्टेटस, आरपीएमबी की प्रोविजन एंड ओके, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अब इसके एमएमसी यूएफएस में जो है हमारी उसमें आरपीएमबी आ चुकी है, जो सीपीयू ने जनरेट किया है। हमने यहां पर सिर्फ की एंटर की है, बाकी जो जनरेट कर रहा है वो आपका सीपीयू कर रहा है, मतलब अब यहां पर ये आईसी बन चुका है पेयर, यहां पर ये सीपीयू से पेयर बन चुका है। अब आपको ना डेव सीएफजी फाइल की जरूरत है, ना कोई फाइल और जरूरत है, आप डायरेक्ट ग्लोबल फाइल से फ्लैश कर सकते हैं आराम से, बिना कोई भी आपको एमएमसी चेंज फाइल बनाने से पहले। तो हम यहां पर डायरेक्ट अब क्या करेंगे, ग्लोबल फाइल से डायरेक्टली फ्लैश करेंगे, हमारा काम यहां पर कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला स्टेप जो है, ये की वाला स्टेप हमारे पास बहुत पहले से पड़ा हुआ, लेकिन हम ये स्टेप नहीं बताए थे, ठीक है। तो यहां पर अभी हम इसको फिर से क्या करते हैं, अब इसको ग्लोबल फाइल फ्लैश करेंगे, यूएसबी से कर जाएगी क्योंकि ये मॉडल आपका ऑफलाइन वाला मॉडल है, तो आप यूएमटी से करो या अनलॉक टूल से करो, जो मर्जी आप जिससे करेंगे। चलिए मैं यहां पर अनलॉक टूल खोलेंगे, यहां पर अनलॉक टूल ऑलरेडी खुला हुआ है, और जैसे कि मैं यहां पर इसकी फाइल लोड कर लूंगा, सबसे पहले इसकी फाइल लोड करेंगे बेरिलियम, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं
ये इंजीनियरिंग फाइल है और ये ग्लोबल फाइल है। तो ये जो है नॉर्मल फाइल है हमारी, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने पहले से एक्सट्रैक्ट करके रखा था क्योंकि इसमें एक्सट्रैक्ट में टाइम जाएगा बोल के। अब मैं इसको लोड करता हूं। तो जैसे कि यहां पर लोड करने के बाद आपकी ये जो फ्लैश फाइल है यहां पर आ चुकी है, ग्लोबल वाली फाइल है, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है क्योंकि इसमें की मैंने जनरेट कर लिया है। अब मैं सिंपल ये करूंगा, मैं इसके अंदर ईडीएल मोड में कनेक्ट कर लूंगा, फ्लैश करके स्टार्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहां पर हमने ईडीएल में कनेक्ट कर लिया है और अब इसको वेट करते हैं, फ्लैशिंग जो स्टार्ट हो जाएगी और उसको एक 5 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो वेट करेंगे हम, जैसे कि हमारी फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई है। तो जैसे कि आपने पूरा स्टेप देख लिया, ये लास्ट स्टेप चल रहा है हमारा फ्लैशिंग का, और आपने स्टार्टिंग से इन तक पूरा ये स्टेप देखा हुआ यूएफएस को, कैसे हमने विदाउट सीपीयू चेंज किया हुआ, क्या क्या चीजें चाहिए हमें इसके लिए। तो सबसे पहले आपको तो यूएफएस ब्लैंक वाली चाहिए जिसके अंदर कोई भी की नहीं होनी चाहिए, आरपीएम भी क्लीन वाली, जो कि आपको परचेस करनी पड़ेगी, कोई सेट से हम निकाल के नहीं डाल सकते। ठीक है, दूसरा काम इसके अंदर पहले तो आपको यूएफएस क्वालकॉम वाली बनानी है, लोन पार्टीशन को क्रिएट करना है क्वालकॉम के लिए। उसके बाद आपको बूट फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी, ये सारे एट्रीब्यूट्स उसमें राइट करने, उसके बाद ही आप इसके अंदर सबसे पहले इंजीनियरिंग राइट करेंगे। इंजीनियरिंग के बाद उसके बाद आप सिक्योरिटी राइट करेंगे, सिक्योरिटी राइट करना होगा। जैसे आपका सिक्योरिटी आ जाएगा उसके बाद आपको एडीबी मोड में जो मैंने अभी कमांड की बताया आप वो काम कर सकते हो विदाउट डेव सीएफजी फाइल रिप्लेस। जैसे आप वो काउंटर राइट कर दोगे उसके बाद आपको ग्लोबल फाइल से फ्लैश कर देना है। तो ये काम आप जैसे कि रेगुलर एमएमसी वाले जो फोन आते हैं, नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, नोट 7 या जो भी आपके 5A 6 मॉडल जो भी आते होंगे, आप इसके अंदर ये सारे स्टेप कर लेंगे तो आपको कभी भी कस्टमर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे कि कस्टमर अपडेट कर देता है उसके बाद वो डेव सीएफजी फाइल उड़ जाती है, तब जाकर वापस से कस्टमर रिटर्न आएगा, वही चीज आपको कस्टमर से समझाना पड़ता है कि अपडेट ना करे, ये ना करे, वो ना करे। तो ये सारे चीजें का झमेला ही खत्म, आप सीधा सीधा वो की जनरेट कर दो, उसका पेयर बना दो, वो हमेशा के लिए उसके लिए काम करना शुरू कर देगी। तो ये सारा छोटा सा स्टेप था जो कि आपको ये बताया गया है पूरा। तो अभी वेट करेंगे, हमारा ये काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम फोन ऑन करके आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि ये सब चीजें आपको सीखना है, यूएफएस के बारे में नॉलेज लेनी है, सारा चीज सीखना है, तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि हमारी ऑफलाइन भी क्लास चालू है, 27 तारीख से बैच चालू होता है, और ऑनलाइन की जो है तो नेक्स्ट अभी आने वाली मार्च के 5 डेट से चालू होने वाली है, 5 तारीख से हमारी मार्च के डेट से चालू होने वाली क्लास। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने जो भी क्लास में जो भी आपके डाउट्स है, ईएमएमसी से रिलेटेड है, यूएफएस से रिलेटेड है, जो भी है वो आपको सारा क्लियर करवा दिया जाएगा, और साथ ही साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह सपोर्ट, 1 ईयर का सपोर्ट, और आपको कॉल से, व्हाट्सएप से, टीम व्यूअर से, हर जगह से हम आपको सपोर्ट करते हैं जब क्लास हम आप ज्वाइन करेंगे। तो जैसे कि ये हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हैं आप यहां पर। चलिए मैं अब इसको चेक करता हूं मेरा फोन अभी क्या कंडीशन में है, एक बार मैं इसको ऑन करता हूं। तो ये हमारा फर्स्ट लोगो आया है पोको नाम से, जैसे कि पोको F1 नाम है। तो वेट करते हैं हम, यहां पर हम देखते हैं इसके बाद सेकेंड ये लोगो आएगा या नहीं आएगा, चेक करते हैं यहां पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर सेकेंड लोगो आ चुका है हमारा, यहां पर कंप्लीटली फोन ऑन हो रहा है। अगर कई बार आप डेव सीएफजी वाला काम करेंगे इसमें तो ये फर्स्ट लोगो पे अटक जाएगा, आपका फोन ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके पहले एक बार सेट आया था, सेम प्रॉब्लम से आया था, उस वक्त मैं डेव सीएफजी वाला काम करके देख चुका था, इसमें डेव सीएफजी वाला काम नहीं होता है, ये मैंने पूरा कंप्लीटली देख चुका है। तो मैंने आपको यहां पर डेव सीएफजी वाला कोई भी मेथड नहीं बताया कि इसमें ना फाइल मैंने रिप्लेस किया ना अनटिक किया, मैंने इसमें डायरेक्ट पेयर बना दिया इसका, और वो पेयर बनाने के लिए जो मैं आपको यहां पर की बता रहा हूं, ये की आपको ऑलरेडी गूगल पे कहीं पर भी मिल जाएगी, अगर आप सर्च करोगे आरपीएमबी की वगैरह जैसा भी, ये कोई नया कुछ नहीं है ना, मैं इसलिए आपको कुछ नया नहीं बता रहा हूं, बस इतना है कि ये काम कोई कर नहीं पा रहा था, इसके लिए आपको बस एक हिंट में दे रहा हूं। तो ये सब चीजें जो है आप इजीली कर सकते हो सारे सेट में, मैं सिर्फ ये नहीं बता रहा हूं कि ये एमएमसी के लिए काम करेगा या ईओएफएस के लिए या पर्टिकुलर कोई मॉडल के लिए, आप ओनली क्वालकॉम जो एमआई के अंदर जितने भी सेट आते हैं,
एमआई के अंदर की बात कर रहा हूं, ये ओप्पो वीवो में नहीं काम करेगी, क्योंकि इंजीनियरिंग फाइल के लिए आपको सिर्फ एमआई के अंदर फोन में होता है। हाँ, असुस के भी कुछ फोन होते हैं, आप उसमें भी कर सकते हैं, अगर आप उसमें भी इमिंग से चेंज करना चाहते हैं उसमें भी ये की काम करेगी। तो आप एकदम इजी वर्क हो गया आपके लिए अभी यहां से, कि आप कोई भी फोन आराम से डेव सीएफजी फाइल के लिए चिंता ही नहीं है, ना कोई टेंशन लेना है, ना कोई अपडेट करना है, ना कुछ। इसमें सीधा सीधा ये की जनरेट करिए और उसके बाद आपका काम शुरू। तो वेट करते हैं, जैसे कि सेकेंड लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा फर्स्ट टाइम ऑन होने में, टाइम लेता भी है। तो जैसे कि यहां पर हमारी स्क्रीन वेलकम की आने लगी है, जस्ट अ सेकेंड लिखा हुआ आ गया, और आप देख सकते हैं हमारी प्रॉपर तरीके से यहां पर फोन ऑन होने लगा है। जैसे कि MIUI 12 लेटेस्ट ग्लोबल फाइल पे हमने इसको ऑन किया हुआ है, तो पूरा वर्किंग फोन है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आया। जैसे कि आप यहां पर सारा स्टेप देख लिए कि हम यहां पर कोई मेगाटेक का नहीं बता रहे, ना कोई एसपीडी का बता रहे, ना ज़ायनोक्स, हम यहां पर डायरेक्ट बता रहे क्वालकॉम योफेस विदाउट सीपीयू चेंज, जो कि अभी तक यूट्यूब पे पहली बार क्वालकॉम का यूएफएस चेंज का वीडियो आ रहा है। आप देख सकते हो कहीं पर भी क्वालकॉम के ऊपर नहीं बताएंगे, और जो भी आएगा तो वो तो सीपीयू चेंज किया हुआ आएगा। तो यहां पर हमने कोई भी सीपीयू वगैरह चेंज नहीं किया, जो हमारा सेट था जिस कंडीशन में आया था दुकानदार से, हमने उस कंडीशन में ही उसको ऑन किया है, ठीक है। तो यहां पर हमने यूएफएस जो लगाया, आरपीएम भी क्लीन वाली, आपके सामने सारा स्टेप बताया था, आरपीएम भी क्लीन वाला था। उसके बाद हमने उसके अंदर की भी जनरेट कर लिए, क्योंकि क्वालकॉम में यह चीज है कि क्वालकॉम ऑटोमेटिक की कभी जनरेट नहीं करता। जैसे कि मीडियाटेक में आप आरपीएम भी क्लीन करके लगा लो, फोन ऑन कर दो, वापस से आरपीएम भी आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिक सीपीयू जनरेट करता है, लेकिन ये काम क्वालकॉम नहीं करता। तो इसके लिए ज्यादातर जो मार्केट में स्टूडेंट है, ये जो भी टेक्नीशियन है, फंस जाते इसी काम में, क्योंकि क्वालकॉम ही यूएफएस इमिंग से चेंज नहीं कर पाते। तो यहां पर जो स्टेप मैं बता रहा हूं, आप सीपीयू से ही जनरेट करवा रहे हो, बस आपको वो कमांड लगानी है और एडीबी वाले पोर्ट में कनेक्ट करना है। तो ये सारा स्टेप आपके सामने पूरा क्लियर हुआ। तो ये सारा काम आपको डीप नॉलेज में सिखाया जाएगा, हमारे ऑफलाइन वाले क्लास में भी और ऑनलाइन वाले क्लास में भी। तो अगर आप चाहते हो तो ऑनलाइन भी आ सकते हो, अगर आप अपना शॉप बंद करके नहीं आ सकते तो ऑनलाइन में आप 2 घंटा डेली के 2 घंटे क्लास, 10 दिन का क्लास होता है हमारा एमएमसी यूएफएस वाला क्लास, जिसमें सिर्फ 7,000 रुपए फीस होती है। इसके अंदर आपको पूरा क्लास सिखाया जाएगा, यूएफएस चेंज, एमएमसी चेंज, यूएफएस प्रोग्रामिंग, एमएमसी प्रोग्रामिंग, हर एक चीज आपको सिखाया जाएगा। तो ये सिर्फ छोटा सा फीस आपको रखाया गया 7,000 रुपए। या फिर अगर आप यहां अगर सीखना चाहते, आपके कुछ सेट है साथ में लेकर आकर आप सामने बना के बनाना चाहते हो, तो आप अपने साथ सेट भी लेकर आ सकते हो, ऑफलाइन में आ सकते हो। 27 हर मंथ के 27 बैच से हमारी क्लास शुरू होती है। तो जैसे कि ये लास्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है, इसके बाद मैं आपको सिक्योरिटी भी दिखाऊंगा, इसके अंदर सिक्योरिटी वो जो हमारी आई है नहीं आई है सारा चीज, ये लास्ट स्टेप हमारा चल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत टाइम लगा लोडिंग एप्स में, तो अब यहाँ पर ये लोडिंग होने के बाद आ जाएगा मेन स्क्रीन पे। तो हमारी यहाँ पर होम स्क्रीन आ चुकी है। तो जैसे कि यहाँ पर फुल पूरी स्क्रीन आ गई, जैसे कि यहाँ पर एप्लीकेशन दिखने लग गए। तो टाइम लेगा, क्योंकि नया यूएफएस लगाया है तो उसको पूरा एप्लीकेशन लोडिंग में टाइम लग जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं ऐड। अभी यहाँ पर हम सिक्योरिटी भी चेक कर लेंगे जो हमने इसमें राइट किया, पहले बेसबैंड देखता हूँ सेटिंग में, बेसबैंड वगैरह है कि नहीं, ठीक है। इसमें बेसबैंड भी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसबैंड भी है, ठीक है, बेसबैंड आ चुका है। और यहाँ पर साथ ही साथ आई में नंबर भी शो करने लगे, देख सकते हैं आप आई में 1 आई में 2 आ चुका है।
और इसमें बेस बैंड भी हमारा कंप्लीटली शो कर रहा है। तो ये पूरा तरीके से कंप्लीटली ऑन हो गया हमारा, UFS चेंज विदाउट CPU चेंज किया हुआ, आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं और पूरा एकदम चालू हो गया। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, इसमें वही हमारा जो बोर्ड था, एक बार मैं इसको ऑफ करके वही दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो UFS था तोशिबा कंपनी का नाम से था, वही हमारा UFS है, क्लियरली दिख रहा होगा शायद। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर पूरा कंप्लीटली हो गया है, तो ये स्टेप से आप पूरा फोन MI के जितने भी कॉलकॉम वाले सेट है, चाहे वो MMC हो या UFS हो, इस मेथड से आप अपना फोन को रिपेयर कर सकते हो जल्द से जल्द। इसके अदर दूसरा भी मैं फोन पे आपका वीडियो बनाऊंगा और देखते हैं दूसरे कोई नए मॉडल मिल जाएंगे जिसमें और लेटेस्ट CPU UFS होगा, उसमें भी हम चेंज का वीडियो बनाएंगे जल्द से जल्द। तो ये हमारा YouTube फर्स्ट था, जैसा कि आपको सारा स्टेप बताया, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, सारा चीज इसमें मैंने सारा बताया आपको। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।